गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग के लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं करंट अफेयर। जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर के उत्तर भारत के पहले बायोटेक, कौन सा औद्योगिक बायोटेक, यहाँ पे लिख देना औद्योगिक, औद्योगिक बायोटेक पार्क का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। ये कौन सा उत्तर भारत का क्या है? उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक, मतलब उत्तर भारत में पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में क्या किया गया? इस चीज़ को स्टार्ट किया गया। और ये कब किया गया? ये किया गया 28 मई को किया गया इस चीज़ का उद्घाटन। और इसमें कहाँ किया गया? कठुआ के पास घाटी में, कठुआ के पास घाटी में क्या किया गया? इस चीज़ का क्या किया गया? निर्मित किया गया। किस चीज़ का? औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया, जो उत्तर भारत का जो पहला औद्योगिक बायोटेक क्या है, पार्क है, जो कि यहाँ पे स्टार्टेड किया गया। इसमें कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप प्रगतिशील किसानों के समर्थन में, किसके लिए? किसानों के करने में क्या किया गया? कृषि उद्यमी स्टार्टअप प्रगतिशील किसानों के समर्थन है, मतलब किसानों के समर्थन के लिए क्या किया गया? इस पार्क को क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। इस पार्क के माध्यम से किसानों की मदद की जाएगी, उनके कृषि के तौर पर, और भी उनके स्टार्टअप, मतलब और किस तरह का वो क्या करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वो वाला कुछ लेंथी टॉपिक है, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान दे स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। आप लोग की SSC की क्लासेस में 2 दिन से नहीं हो पा रही, इसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत सही नहीं मेरी। और आप लोग की क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएगी SSC की दोनों, ठीक है? तो आपको पूरा कंटेंट उसमें अब हम डाल देंगे, इसको इस मतलब 15 तारीख से पहले पूरा कंटेंट, उसके बाद नया कंटेंट स्टार्ट करेंगे। 12th का बैच, नहीं तो केमिस्ट्री फिजिक्स का बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तुर्की ने भारत की गेहूं की खेप को खारिज किया। तुर्की ने क्या किया? गेहूं की खेत को क्या किया? खारिज किया। भारत की गेहूं की खेत को क्या किया? खारिज कर दिया। किसने किया? तुर्की ने। इन्होंने कारण बताया, किसका? रुबेला रोग का, रुबेला रोग का हवाला दिया। ठीक है, कि हमें रुबेला रोग हो सकता है आपके गेहूं से। कैसे? किसान होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपनी फसल सुखाने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े मैदान अपने खेत में क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसमें एक तरह का मतलब कीटाणु की मतलब कुछ बैठ कीड़े मतलब क्या होते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। तो ये लोग क्या, उन लोगों का क्या है कि ये लोगों ने इस चीज़ का हवाला दिया कि आप जो फसल को मतलब ये मैदान में फैलाते हो, तो इससे क्या हो सकता है, हमें रुबेला बीमारी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक तरह का बैक्टीरिया टाइप और कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका हवाला देते हुए क्या किया इन्होंने, इस चीज़ को रद्द कर दिया। और इन्होंने एक जहाज़ को क्या किया इन्होंने, 29 मई को लौटा दिया। इन्होंने अपने यहाँ पहुँचा एक जहाज़, मतलब हमारे यहाँ से पहुँचा एक जहाज़ को क्या कर दिया गया, यहाँ से लौटा दिया। अब इसने, तुर्की ने भारत से इस चीज़ की मांग क्यों की थी, इस पर भी सवाल उठता है आप लोगों का कि तुर्की ने भारत से अभी तक तो खैर मांग नहीं की, अब क्यों कर रहा है? ये रूस यूक्रेन
दुनिया का एक चौथाई गेहूं के हिस्सेदार हैं। ठीक है, परंतु वहां पर क्या, युद्ध के कारण ये क्या कर रहे हैं, अपनी गेहूं की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब बेच नहीं पाई, वो होता है युद्ध पे ध्यान देंगे, गेहूं सप्लाई पे ध्यान देंगे, इसलिए इन्होंने अपन से मांग की और उसी मांग में इन्होंने अपनी मांग को पहले खुद रखा और फिर इन्होंने खेप को वापस कर दिया, जिससे कि भारतीय पैसे का क्या हुआ, घाटा हुआ। और अब आगे जाके भारत सरकार ने आगे वाले मतलब भविष्य में इनके निर्यात पे लेके, अगर जी कभी कोई निर्यात करेंगे या मतलब आयात करवाएंगे अपने यहाँ से, तो उसके लिए फैसला करेगी सरकार, तभी इनका होगा, क्योंकि इन्होंने जो इतना छोटा नहीं होता गेहूँ की खेप को पहुँचाना, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, एयरप्लेन चढ़ाई धुलाई और मंगवाना, ये बहुत पैसा खर्च होता है। अब इस पैसे को भारत सरकार, अगर जिन लोगों ने इस चीज़ को कैंसिल कर दी, इससे भारत सरकार के खजाने में जो जिस पैसे का वो हुआ लॉस, तो वो कहाँ से भरपाई करेंगे। इसलिए इनके भविष्य को लेकर क्या बोलते हैं, इनके भविष्य में आया तो निर्यात को लेकर इनसे समझौते के तौर पर पहले सतर्कता बरती जाएगी, इस चीज़ को बताया गया, इनसे सतर्कता बरती जाएगी और आने वाले समय में इनके व्यापार संबंधों पर भी ध्यान दिया जाएगा, इन्हें रखना है या नहीं रखना है अपन लोगों को, क्योंकि इस तरह से अपना नुकसान, इनकी कैपिटल क्या है और इनके राष्ट्रपति, ये दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी खेप को या किसी भी चीज़ को लौटाना एक तरीके से वो प्रॉब्लम्स करता है, क्योंकि भारत सरकार अपना पैसा, टैक्स का पैसा खर्च करती है और लोग ऐसा करते हैं दूसरे देश के, ठीक है, लोग नहीं करते, खैर उनके कंट्री है भाई, क्या कह सकते। अंकारा क्या है, यहाँ की कैपिटल, ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, रेसेप ताइप एर्दोगन, क्या यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कौन है, रेसे ताई एर्दोगन। और भविष्य में लेके इनके आयात निर्यात पे लेके भारत सरकार अब इस पर सोच विचार करेगी, तभी करेगी, ऐसे नहीं करेगी। और अब जो आयात व्यापार होंगे तो पहले इनसे पैसा लिया जाएगा, फिर इनको आयात व्यापार के लिए हाँ करी जाएगी, ऐसे नहीं है कि मतलब नुकसान करा दिया किसी, देखिए भारत सरकार का नुकसान होता है इसमें, देश की रिस्पेक्ट भी ख़राब होती है कि पहले आपने मंगाया और फिर आपने वापस भेज दिया इस तरह से, तो हमारे अगर किसी और कोई देश ले रहा होगा तो वो भी सोचेगा कि हाँ ये सब होता होगा इनकी बीमारी इससे, ठीक है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना, इनके द्वारा क्या किया, भारतीय नौसेना के INS निशांक तथा अक्षय को विदाई दी, किसने दी, भारतीय नौसेना, कब देगी, ये देगी मुंबई के कहाँ से, बम्बई के नेकल डॉक यार्ड से कब, 3 जून, यानी कि आज के दिन क्या देगी, इसकी विदाई, इन दोनों INS निशांक और INS अक्षय की क्या देगी, विदाई देगी। इन्होंने अपने 32 साल के की सेवा दी, कितनी, इन्होंने अपनी 32 साल की सेवा दी भारत सरकार को, कितनी, 32 साल की सेवा दी। निशांक ने 1971 में क्या किया था, कि युद्ध किए, और निशांक 1971 के युद्ध में वीरता का परचम दिया था, वीरता दिखाई थी, ठीक है, या तो वीरता मान लो कि वीरता दिखाई थी, जिस कारण इसे किस नाम से, ठीक है, वीरता दिखाई थी, जिस कारण इसे क्या बोलते, बता रहे किस कारण से, किलर स्क्वाडन
का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, इसकी वीरता के कारण इसे किलर स्कॉट का अभिन्न अंग क्या किया जाता है, माना जाता है इसके द्वारा। ठीक है, और अब क्या करते हैं पल्लू, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होता। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऐसे कराओ जो बच्चे के दिमाग में बैठे। ठीक है, टीचर्स वही है, ये नहीं है कि हमने 100 करा दी, 150 करा दी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को जब तक दिमाग में नहीं बैठेगा क्वेश्चन, तब तक कैसे होगा यार। ठीक है, तो आप लोगों का करना मज़ेदार तरीके से, पहले क्या कहते हैं तेलंगाना स्थापना दिवस क्या किया गया, तेलंगाना स्थापना दिवस। ठीक है, तेलंगाना का किया गया स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, तेलंगाना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। कितनी तारीख को, 2 जून को इन्हें अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया। और भारत का ये आज के ही दिन भारत का ये 28वां राज्य बना था, 28वां राज्य बना था। ठीक है, और जो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में विलय हो गया था। ठीक है, इसकी पूरी स्टोरी बताएंगे, कब हुआ था जी, 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया था राज्य के, देखो भाषा के आधार पर पहले आंध्र प्रदेश बना था, इसके बाद क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 में क्या किया था, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। और फिर 1969 में तेलंगाना क्षेत्र में एक नए राज्य की मांग को लेकर, विरोध हुआ था। ठीक है, एक राज्य के नए राज्य की मांग को लेकर विरोध हुआ था, जिसके बाद इसको एक नए राज्य के रूप में क्या कर दिया गया था, गठित कर दिया गया। बाद में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतलब क्या कर दिया गया, इसको नए राज्य के रूप में क्या कर दिया गया, गठित कर दिया गया, और एक नया राज्य के रूप में आज ये स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों को इसमें देखा गया था जिस कारण इसको नए राज्य के रूप में, और इस बार इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश राज्य में 8वां स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें क्या किया, भारत सरकार ने किसके साथ, सेनेगल के साथ 3 समझौते किए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सेनेगल के साथ क्या किए, 3 समझौते किए, भारत सरकार ने सेनेगल के साथ क्या किए, 3 समझौते किए। ठीक है, 3 समझौते क्या किया, ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, क्यों किए ये समझौते, देखिए आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, राजनायक प्लस अधिकारियों के लिए पासपोर्ट धारकों के लिए मुफ्त वीजा की व्यवस्था कोई आया आपके यहाँ। ठीक है, अब वहाँ पे मुफ्त वीजा की व्यवस्था नहीं है हमारे अधिकारी के लिए, तो उनको सम्मान के तौर पर एक तरीके से उन चीज़ को क्या करना, इस चीज़ को दिखाना कि हाँ हमारे दूसरे देश में क्या है, उन अधिकारी क्या है, इज्जत है, रिस्पेक्ट के रूप में इस चीज़ को दिखाया गया, इस चीज़ की क्या करना, व्यवस्था करना, सरकार को ये पहला वो दे दिया गया समझौता। और दूसरा समझौता क्या दिया गया, 2022 से 2029 तक, 26 तक
2022 से 2026 तक संस्कृति का आदान प्रदान। का आदान प्रदान करना मतलब कि आप हमारे यहाँ की संस्कृति देखिए, हम आपके यहाँ की संस्कृति संस्कृति का आदान प्रदान ठीक है। 2022 से 2026 संस्कृति मतलब 4 साल के लिए क्या करना है, संस्कृति का आदान प्रदान कार्यक्रम का नवीनकरण। मतलब आपने कार्यक्रम के द्वारा हमें क्या कर दीजिए, एक तरीके से इस संस्कृति को आपको हमें समझाइए, अपने यहाँ की संस्कृति और हमारे यहाँ की संस्कृति को आप समझिए। किसके माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से। इस चीज़ को इसमें सिर्फ इतनी सी लाइन में ये चीज़ को बताया गया। ये क्या है, सेकेंड समझौता। देखिए अपने यहाँ कितनी तरह से वो बताते हैं, युवा मामलों में द्विपक्षीय संयोग को बढ़ावा देना, बढ़ाने के प्रयास। बढ़ाने का प्रयास करता है ठीक है। आज का ये लास्ट पॉइंट था, और आप लोग के लिए एक कहने के लिए बता दें कि आने वाले टाइम में मतलब 10 या 15 दिन के अंदर ये दोनों ख़त्म होती है, साइंस और इसकी। तो उसके बाद आप लोग क्या किया जाएगा, उसमें एसएससी के कॉन्सेप्ट में ही क्या बोलते हैं मतलब एसएससी 12th के कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें 12th का मतलब उसमें जो भी आपका पेपर उसमें फंस सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और अति लघु वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके फंस सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से क्लासेस 15 जुलाई से क्या करें स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, जो लोग 12th में स्टूडेंट्स हो तो उन लोगों के लिए ये बेहतर मौका है अपनी प्रिपरेशन करने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को।